त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अनूपगढ़ में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राम सिंह मीना, जिला रसद अधिकारी अनूपगढ़ के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता परखने के लिए जिले में कई प्रतिष्ठानों से मावा, पनीर और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए। कुल 170 किलोग्राम खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें से 115 किलोग्राम मावा खराब पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया। सभी सैंपल जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीना ने कहा कि इस जांच अभियान का उद्देश्य त्योहारी सीजन में लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। यदि किसी प्रतिष्ठान में मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालाजी मिष्ठान भंडार वाई फ्राई, यहां से 170 किलोग्राम मावा और पनीर का सैंपल लिया गया। जांच के बाद 115 किलोग्राम मावा खराब पाए जाने पर उसे नष्ट किया गया। राधा डेयरी अनूपगढ़, यहां पनीर का सैंपल लिया गया और मावा मिठाई के 30 किलोग्राम को नष्ट किया गया। मुनिदास भागीरथ मिष्ठान भंडार, यहां से मिल्क केक और मावा मिठाई का सैंपल लिया गया। साथ ही व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। महाराजा स्वीट्स अनूपगढ़, यहां सैंपलिंग के बाद टोस्ट, कलर्ड सेंट पीस, बेसन लड्डू और मावा मिठाई समेत 115 किलोग्राम खाद्य सामग्री को खराब पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया। चावला मिष्ठान भंडार मावा मिठाई और खोया के 2 सैंपल लिए गए। साथ ही वैध दस्तावेजों के अभाव में 6 व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। जोधपुर मिष्ठान भंडार, यहां मावा मिठाई का सैंपल लिया गया। आरव लघु उद्योग प्रेमनगर वार्ड नंबर 09 अनूपगढ़, यहां से गजक और गुड्डी मिठाई का सैंपल लिया गया। साथ ही कुल 115 किलोग्राम खाद्य सामग्री जैसे पतासा, तेल, गुड्डी चासनी और खुली गजक को खराब पाए जाने पर नष्ट किया गया। जांच के तहत सभी खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट आने तक विक्रय पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सामग्री की जांच के बाद दोषी पाए गए व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की यह मुहिम त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है।